हेलो एस्पिरेंट स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का परचम क्लासेस में आज की क्लास में देखिए हम क्या कर रहे हैं आज की क्लास में 10 से 16 मार्च 2024 के जो वीकली करंट अफेयर्स हैं उनका रिवीजन हम लोग कर रहे हैं बहुत क्विक रिवीजन रहने वाला है जिससे आपकी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज रिवाइज आप कर लोगे ठीक है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको रिकॉल हो जाएंगे कैटेगरी वाइज और विद एम इसको हम कर रहे हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आपको मैं बता दूं एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं दे दूं पहले मैं बैंकिंग का करंट अफेयर कराती थी, थी लेकिन अब आप लोगों के लिए बैंकिंग स्पेशल टीचर आ गई हैं ठीक है तो वो आप लोगों को करंट अफेयर कराती हैं आफरीन मैम है एवरी संडे एट 7 पीएम ठीक है और संडे दोपहर 12 बजे मैं वीक का करंट अफेयर कराती हूँ जिसमें ना केवल फाइनेंस की बल्कि सारी ही न्यूज स्टेट न्यूज नेशनल इंटरनेशनल वो सारी न्यूज हम लोग क्विक रिविजन जिसका करते हैं ठीक है तो इसको याद रखना अब से वीकली करंट अफेयर मैं करवाऊंगी दोपहर बारह बजे संडे को और शाम को सात बजे आफरीन मैम बैंक ंग और फाइनेंस की करंट अफेयर कराएंगी ठीक है तो इनको याद रखना बाकी भी हमारे बहुत सारे YouTube के सेशंस चलते हैं वो आप देखते ही हो स्पेशली मैं मेरे अगर बताऊं तो मैं आप लोगों को इकॉनमी करा रही हूँ ठीक है और मैं आप लोगों को पॉलिटी करा रही हूँ एक हमारी स्कीम की प्ले लिस्ट बन रही है पूरी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो हम कवर कर रहे हैं आप लोग जरूर जाके देखना और पॉलिटी विद माइंड मैप एक नई सीरीज हम लोगों ने शुरू की है जिसके अंदर बहुत ही टिप्स वाले मतलब बहुत ही क्विक फैक्ट्स जो होते हैं ना पॉलिटी के वो मैं इंक्लूड कर रही हूं और ऐसे टॉपिक जो बुक में आपको रेयर ही मिलते हैं तो शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज से सबसे पहले डेज को देखते हैं कौन कौन सा डेज था ये टेंथ ऑफ मार्च को सी आई एस एफ रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया ठीक है सी आई एस एफ स्टैंड फॉर स्टूडेंट सी आई एस एफ का मतलब है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी सिक्योरिटी फोर्स सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 1969 में सी आई एस एफ इस्टैब्लिश हुआ था ठीक है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है नीना सिंह ये फर्स्ट लेडी डायरेक्टर जनरल है सी आई एस एफ की चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे दैट इज इलेवेंथ ऑफ मार्च इलेवेंथ ऑफ मार्च को नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया वन थर्टी फोर्थ फाउंडेशन डे के रूप में मनाया गया नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया एक सौ फाउंडेशन डे के रूप में इसको मनाया गया सुभाष अभिनंदन के नाम से एक डिजिटल एग्जीबिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये ऑर्गेनाइज किया था सुभाष चंद्र बोस की बातों को याद करते हुए उनके डॉक्यूमेंट्स को याद करते हुए ये पूरा एग्जीबिशन रखा गया था नेशनल आर्काइव्स की अगर बात करते हैं तो ये एक रिपोजिट्री होता है रिकॉर्ड्स का जो आपके नॉन करंट रिकॉर्ड्स होते हैं उसका रिपोजिट्री होता है नेशनल आर्काइव्स ठीक है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ एक अटैच्ड ऑफिस है इलेवेंथ ऑफ मार्च 1891 को कोलकाता के अंदर ये इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट्स की तरह से इस्टैब्लिश किया गया था 1891 में फोर्टीनथ मार्च को पाई डे के रूप में मनाया गया पाई डे 2024 पाई का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है 3.14 ये आपको पता है ये जो कांस्टेंट वैल्यू है पाई की इसको सबसे पहले ग्रीक मैथमेटिशियन आकमिडीज सायरा ने आ, इसको कैलकुलेट किया था ये जो कांस्टेंट वैल्यू है पाई की 3.14 जिसको आप ट्वेंटी टू से भी फ्रैक्शन में अगर डिनोट करना हो ट्वेंटी टू से हम डिनोट कर देते हैं नाइनटीन में सबसे पहले अमेरिकन फिजिस्ट लैरी शॉ ने पहला पाइडे सेलिब्रेट किया था 1988 में जो अमेरिका के फिजिस्ट थे ठीक है पाइडे को अल्बर्ट आइंस्टाइन के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है तो बर्थ एनिवर्सरी फोर्टींथ मार्च एल्बर्ट आइंस्टाइन की उसको पाई डे के रूप में हम मनाते हैं फोर्टींथ मार्च को एक और डे की तरह मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर रिवर्स इसकी थीम थी थीम इज वॉटर फॉर ऑल थीम क्या थी वॉटर फॉर ऑल ठीक है फिफ्टींथ मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है 2024 की जो थीम थी फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल ए आई फॉर कंज्यूमर्स ठीक है ये जो इसका ओरिजन हुआ था वो यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के हिस्टोरिक एड्रेस यूएस कांग्रेस यूएस कांग्रेस जो है जैसे अपने यहाँ की पार्लियामेंट है ऐसे अमेरिका की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं वहां पे 15th ऑफ मार्च 1962 में जो वहाँ के देन प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी उन्होंने इस डे को कंज्यूमर डे के रूप में ऑर्गेनाइज किया था ठीक है और तभी से लेके इसको नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में मनाया जा रहा है हालांकि ऑफिशियली ये मनाना शुरू हुआ है 1983 से इसको सेलिब्रेट ऑफिशियली रूप से करना शुरू किया गया है लेकिन सबसे पहले अपनी हिस्टोरिक स्पीच के अंदर 1962 में जॉन एफ कैनेडी ने इसका जिक्र किया था ठीक है तो याद रखेंगे फिफ्टींथ मार्च जो है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सिक्सटीथ मार्च सिक्सटीन्थ मार्च है नेशनल वैक्सीनेशन डे वैक्सीन सेव्स लाइव फियर इन डेंजर्स ठीक है तो सिक्सटीन्थ मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में मनाया जाता है 1988 में ओ ने ग्लोबल पोलियो इराडिकेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया था ठीक है कि हमको पोलियो जड़ से इराडिकेट कर देना है 1988 में डब्ल्यू ने ऐसा इनिशिएटिव लिया था और ऑन द सेम डे 1995 को इंडिया ने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया था और तब से ही लेके हम सिक्सटींथ मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में मना रहे हैं ये थी डेज की बातें अब बुक्स और ऑथर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं पर उससे पहले आपको मैं बता दूँ कोई भी अगर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ लेना चाहता है तो परचम के टेलीग्राम पे चला जाएगा परचम टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है वीकली और मंथली सीए मैगजीन अगर आपको चाहिए तो वो परचम क्लासेस डॉट इन पर मिलेगी ठीक है अगर आपको सीए सब्सक्रिप्शन चाहिए जिसमें आपका मंथली वीकली सिक्स मंथली ईयरली सारी मैगजीन सारी पी आपके पास आ जाएंगी सब्सक्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो परचम ऐप पे जाके आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ठीक है तो तीनों ही बातें मैंने आपको बता दी है हमारी फ़रवरी की जो ई e मैगज़ीन है करंट अफेयर की वो हो चुकी है तैयार आप लोग इसको भी परचेज कर सकते हैं कोई भी डाउट अगर आपको आता है कोर्स के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो इन गिवन नंबर पे कॉल व्हाट्सएप आप कर सकते हैं ठीक है और ये मेल आईडी है परचम क्लासेस जीरो सिक्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम जहाँ पर आप अपने डाउट्स को अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ साझा कर सकते हो अब जो बुक्स और ऑथर्स की कैटेगरी के, के अंदर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है इसराइल वॉर डायरी ठीक है इसराइल वॉर डायरी ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने ये बुक लॉन्च की है इसको राइट किया है इसको लिखा किसने है विशाल पांडे ने ठीक है इसको इसको विशाल पांडे ने लिखा है और आपको पता है इसराइल के अंदर वॉर जो है वो चलता ही रहता है गाजा पट्टी का विवाद तो ये आपको याद रखना है विशाल पांडे ने इसको लिखा है अगली बुक है कॉन्स्परेसी ये बुक लिखी है किसने गोताबाया राजपक्षा ठीक है ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है श्रीलंका के जिन्होंने ये बुक लिखी है द कॉन्सपेरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी अब 2019 से लेके 2022 तक श्रीलंका के लिए सबसे खतरनाक समय था 1948 से जब से श्रीलंका आज़ाद हुआ है तब से लेके अब तक के सबसे गंभीर क्राइसिस श्रीलंका के अंदर देखे गए हैं और उन्हीं क्राइसिस को चलते ये बुक लिखी गई है द कॉन्स्पिरेसी जो गोताबाया राजपक्षा जी ने लिखी है जो अमेरिका के फो जो श्रीलंका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ठीक है अभी ये थी बुक्स एंड ऑथर्स की बातें अभी अपॉइंटमेंट कैटेगरी की बात करते हैं अपॉइंटमेंट कैटेगरी में एन लिमिटेड के जो चेयरमैन और एम हैं राजेंद्र प्रसाद गोयल जी को ये एडिशनल चार्ज सौंपा गया है ठीक है कब फर्स्ट मार्च 2024 को राजेंद्र प्रसाद गोयल जी को एडिशनल चार्ज दिया है एनएचपीसी लिमिटेड के चेयरमैन का और एमडी का ये एनएचपीसी क्या है इसको पहले नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के रूप में जानते थे ये मिनी रत्ना कैटेगरी वन का इसका स्टेटस है जो रत्ना स्टेटस मिलता है उसमें मिनी रत्ना कैटेगरी वन है इनका ठीक है और इसको इनकॉर्पोरेट किया था 1975 में अंडर कंपनीज़ एक्ट 1956 ठीक है इसका हेडकोार्टर फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है नेक्स्ट न्यूज़ क्या है इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने रिज़ाइन कर दिया 2027 में इनका कार्यकाल पूरा होना था पर इन्होंने अभी ही रेजिग्नेशन दे दिया है 2022 में इनको अपॉइंट किया था और 27 तक इनका कार्यकाल चलना था पर इन्होंने बीच में ही अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है और दो नए आपको पता है कि देखिए तीन मैंने इलेक्शन कमीशन टॉपिक भी अभी अभी कवर किया है जरूर पॉलिटी सेक्शन में जाके देखना एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और टू अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं तीनों का स्टेटस बिल्कुल इक्वल होता है ये राजीव कुमार जी हैं ये बरकरार हैं अभी भी ठीक है ये अभी भी यूके यू है पर बाकी जो दो थे एक तो रिटायर हो गए थे और एक अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दे दिया था तो ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर का पद जो है वो खाली हो गया था अब इनकी जगह दो नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं एक तो सुखबीर सिंधु किए गए हैं ठीक है देख लेते हैं कौन कौन है ठीक है देख लेते हैं सुखबीर संधु जी हैं और ज्ञानेश कुमार हैं इन दोनों को नए इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया है दो सीट खाली हो गई थी तो इन दोनों को अपॉइंट कर दिया गया है इनका जो रेजिग्नेशन है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एक्सेप्ट कर लिया है ठीक है 2027 तक टेन्योर था बीच में ही इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है ये बात मैंने आपको बता दी है अनूप चंद्रा जी जो एक और इलेक्शन कमिश्नर थे इनके साथ वो रिटायर हो गए थे फेबररी के अंदर तो दो पोस्ट खाली थी उन दोनों की जगह सुखबीर सिंह संधू फ्रॉम पंजाब एंड ज्ञानेश कुमार फ्रॉम केरला इनको नए इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन आपको पता है आर्टिकल 324 से 329 पार्ट फिफ्टीन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी 1950 सौ पचास ऑफ जैन 1950 को इस्टैब्लिश किया गया था नेशनल वोटर्स डे के रूप में इस डे को मनाते हैं ट्वेंटी ऑफ जनवरी को ठीक है एक इलेक्शन कमिश्नर होता है दो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं 1989 से पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी था 1989 में इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया फिर से 1993 में इसको सिंगल बॉडी करके बाद में आज के दिन इसका ये स्टेटस है कि तीन टोटल इलेक्शन कमिश्नर होंगे एक चीफ होगा और दो अदर होंगे आज के दिन ये मल्टी मेंबर बॉडी है ठीक है इसकी डिटेलिंग अगर जाननी है तो आप मेरे पॉलिटी सेक्शन में चले जाना ठीक है वहाँ पर इनकी सारी अपॉइंटमेंट वगैरह ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है न्यू प्रेजिडेंट पी के कौन है देखते हैं देखो न्यू प्रेसिडेंट जो है पैरालिम्पिक कमेटी ऑफ इंडिया पैरालंपिक कमेटी के ये पैरालंपिक कमेटी के न्यू प्रेसिडेंट देवेंद्र झाजरिया जी को अपॉइंट किया गया है ठीक है ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं जैवलिन थ्रोअर के अंदर जावलिन के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं ठीक है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के इनको प्रेसिडेंट बनाया है और 2004 हजार चार और दो रियो पैरालंपिक्स के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है और जो डिसेबिलिटी की अलग अलग कैटेगरीज होती है उन कैटेगरीज के, के अंदर इनकी डिसेबिलिटी कैटेगरी है एफ ठीक है एफ फोर्टी सिक्स ओल्ड हैं तो अब ये चेयरमैन बन गए हैं पी के नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नए चेयरमैन किशोर मखवाना जी को बनाया है ठीक है किशोर मखवाना जी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नए चेयरमैन बन गए हैं मडीगा कम्युनिटी से हैं ये मडीगा कम्युनिटी ठीक है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ये कम्युनिटी है समुदाय है वहाँ से बिलोंग करते हैं किशोर जी और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338 में आता है पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब दोनों कंबाइंड थे बाद में नाइन में एटी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया और इनको सेपरेट कर दिया गया आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड आर्टिकल 338 ए में नेशनल कमीशन फॉर एसटी बना दिया गया ठीक है तो इस तरीके से ये दो ये काम क्या करते हैं जितने भी यहाँ पे चेयरमैन वाइस चेयरमैन और थ्री अदर्स मेंबर टोटल फाइव मेंबर्स बॉडी होती है इन सभी को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं और जितना भी एससी और एसटी को लेकर विवाद होते हैं शिकायतें होते हैं उन सभी शिकायतों को सुनने का इनका काम होता है हरियाणा के नए सीएम बीजेपी की तरफ से नायाब सिंह सैनी जो हैं वो बन गए हैं ठीक है पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे ये आप देख रहे हो इन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो अभी नायाब सिंह सैनी जी को नया चार्ज जो है सौंप दिया है ये पहले वाले भी बीजेपी पार्टी से थे ये भी बीजेपी पार्टी से हैं हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार थी बीजेपी की और जेजेपी की बीजेपी स्टैंड्स फॉर भारतीय जनता पार्टी एंड जेजेपी जननायक जनता पार्टी ठीक है दोनों का गठबंधन टूट गया जिसके चलते ये सारा विवाद ये सारा विवाद जो है वो बिखर गया ठीक है नायाब सिंह सैनी कुरुक्षेत्रा कॉन्स्टिटुएंसी से हैं कुरुक्षेत्रा कॉन्स्टिट्युएंसी से हैं सीएम को कौन अपॉइंट करते हैं गवर्नर और गवर्नर कौन है हरियाणा के बंदारू दत्तात्रेय जिन्होंने इनको शपथ दिलाई ठीक है अभी ओबिचुरीज की बात करते हैं सैड डिमाइस की बात करते हैं निधन की बात करते हैं इनमें सबसे पहले जो निधन हुआ है किनका हुआ है कपिल देव प्रसाद कपिल देव प्रसाद जो पद्मश्री अवॉर्डी है ठीक है इनका निधन हो गया है इनको पद्मश्री मिला 2023 में ये एक हैंडलूम इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा काम कर चुके हैं हैंडलूम इंडस्ट्री के अंदर एक बुद्धिस्ट क्राफ्ट होता है जिसको ये बनाते थे ठीक है इनका बासवाना बीघा विलेज नालंदा बिहार में इनका जन्म हुआ है और ये बाबा बूती सारीज़ को बहुत अच्छी तरीके से बुनते थे जो एक बुद्धिस्ट आर्ट है फिफ्टी टू मोटिव्स मतलब की जो बावन भूति बावन भूति या बाबा भूति कह दो इनको बावन भूति बावन यानी फिफ्टी टू फिफ्टी टू भूतीज मोटिव से यानी बूटी बूटी जड़ी बूटी का काम होता है जड़ी बूटी तो जैसे वो आ, आपकी दवाइयों में आ गया बूटी बूटी का वर्क नहीं होता है छोटी छोटी छींट का बूटियों का काम होता है कपड़े पे तो इसमें 52 टू बूटीज की यूनिक वीविंग टेक्निक को यूज किया जाता है हाथ से कॉटन के और टसर के कपड़े के ऊपर कॉटन और टसर के कपड़े के ऊपर तो उसमें इनको पद्मश्री मिला था इनका निधन हो गया है पॉल एलेक्जेंडर द मैन इन द आयरन लंग पासड अवे एट सेवेंटी इनको पोलियो था ठीक है पैरालिसिस था और इनके लंग फेलियर थे और सत्तर साल की उम्र में इनका भी निधन हो गया है इन्होंने अपना एक मेमोरियल लिखा है थ्री मिनट्स फॉर अ डॉग माय लाइफ इनसाइड साइड अ आयरन लंग तो ये भी आपको याद रखना है अगला जो हमें सेड डिवाइस देखना है वो है एडमायरल लक्ष्मी नारायण रामदास जी जो फॉर्मर इंडियन नेवी चीफ थे 90 की एज में इनका भी देहांत हो गया है तेरह साल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में इन्होंने अपनी सर्विसेज दी थी ठीक है अवार्ड्स की बात करते हैं इंडिया को अवार्ड मिला है मीजल्स ऑफ रूबेला चैंपियन का ये ग्लोबल अवार्ड था क्योंकि भारत ने मीजल्स और रूबेला बीमारियों से लड़ने में एक्जाम्पलरी काम किया है ठीक है तो भारत की तरफ से किसने इस अवार्ड को आ, रिसीव किया है ये है इंडियन एम्बेसडर श्री प्रिया रंगनाथन इन्होंने इस अवार्ड को लिया है ठीक है और किसके बिहाफ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बिहाफ पे कहाँ पे ये अवार्ड्स बटे थे ये अमेरिका वाशिंगटन के अंदर जो हेडक्वार्टर है अमेरिकन रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में वहां पे ये आप देख रहे हो श्री पिया रंगनाथन इनको ये अवार्ड मिला है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बिहाफ पे इन्होंने ये अवार्ड लिया है ऑस्कर अवार्ड ऑस्कर अवार्ड 2024, 1925 से सिनेमैटिक अचीवमेंट्स की कैटेगरी के अंदर ऑस्कर अवार्ड मिलते आ रहे हैं ये नाइन्टी सिक्स अकेडमी अवार्ड थे जो मिल रहे हैं ठीक है कौन देता है इट इज प्रेजेंटेड बाय अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस ए एम पी एस इसको प्रेजेंट करते हैं एवरी एवरी ईयर ठीक है दस मार्च दो को अब की बार ये ऑस्कर अवार्ड मिले हैं तेईस कैटेगरी के अंदर मिले हैं ठीक है जिमी किमेल जो है वो होस्ट ऑफ द फोर्थ टाइम थे चौथी बार होस्ट किया है उन्होंने ऑस्कर को जिमी की मेल तो किस किस कैटेगरी में किस किस को कौन बेस्ट एक्टर है कौन बेस्ट डायरेक्टर है कौन बेस्ट पिक्चर है कौन सी बेस्ट एक्ट्रेस है ये सारी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो रिवीजन क्लास है तो मैं एक एक पढ़ के आपको नहीं बताऊंगी अगली है जापान के रिकेन यामाोटो जापान के रिकेन यामाोटो को प्रिट्सकर आर्किटेक्चर प्राइज मिला है प्रित्सकर आर्किटेक्चर प्राइज तो जो आर्किटेक्ट के अंदर सबसे ऑनरेरी अवार्ड होता है वो रिकेन यामा मोटो जी को मिला है ठीक है ये फिफ्टी थर्ड प्रिस्कर आर्किटेक्चर प्राइज़ था जो यामा मोटो जी को मिला है ये जापान से नाइन्थ रहे हैं जापान से नाइन्थ हैं ठीक है ऐसे फिफ्टी थर्ड हैं जिन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है उसके बाद इंडिया की प्रेजिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशियस इन्वाइट किया गया था मॉरीशियस डे पे और ये भारत की के सिक्स्थ प्रेसिडेंट हैं जो मॉरीशियस के डे पे इनवाइट की गई है वहाँ पे इनको अवार्ड मिला है डिग्री मिली है एक डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की ठीक है तो इसको आप याद रखेंगे 12 मार्च को वो अपना डे सेलिब्रेट करते हैं फिर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है दो के लिए इंग्लिश ऑथर नीलम सरन गौर को और हिंदी नॉवलिस्ट संजीव को संजीव जी ने की संजीव जी की जो नॉवल थी वो थी मुझे पहचानो ठीक है और नीलम सरन गौर की जो बुक थी वो थी रिक्वीम इन रागा जानकी ठीक है ये ऑथर और पोइट्स रिसीव करते हैं इनमें एक कॉपर प्लेक यानी कि एक ताम्र पत्र मिलता है एक शॉल मिलती है यानी एक कपड़ा मिलता है जो मतलब एक ऑनर के रूप में और एक लाख रुपए का अमाउंट मिलता है साहित्य अकेडमी अवार्ड साहित्य अकेडमी जो है बारह मार्च नाइनटीन को फाउंड हुई थी हेडक्वार्टर न्यू डेली में है ठीक है भारत के लिटरेरी वर्क को अलग अलग लैंग्वेज में प्रमोट करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर लिटरेरी वर्क को ठीक है अवार्ड्स गिवन फॉर ट्वेंटी फोर इंडियन लैंग्वेजेस 22 टू लैंग्वेज स्केड्यूल के अंदर है अदर इंग्लिश और राजस्थानी टोटल भारत की 24 भाषाओं के लिए ये अवार्ड मिला है ठीक है 22 तो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है आठवीं अनुसूची में और दो है राजस्थानी और इंग्लिश फर्स्ट अवार्ड जो है 1955 में मिला था किसको मिला था हिंदी कैटेगरी में ये थे माखन लाल चतुर्वेदी 1960 में इंग्लिश कैटेगरी में सबसे पहले आर के नारायण जी को ये साहित्य अकेडमी का अवॉर्ड मिला था अगली न्यूज क्या है संगीत नाटक नाटक अकेडमी अवार्ड दिया है मंजुला रामास्वामी को मंजुला रामास्वामी को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है ये जो मंजुला रामास्वामी है ये वेटरन भरतनाट्यम भरत गुरु, भरत गुरु है भरतनाट्यम गुरु के अंदर भरतनाट्यम गुरु है मंजुला रामास्वामी जिनको ये अवार्ड मिला है इनको भी एक लाख रुपए एक अंग वस्त्र कि एक शॉल और एक पत्र यानी कि एक एक प्लेक कॉपर प्लेक जो है वो इनको मिली है ठीक है संगीत नाटक अकेडमी जो है ये नेशनल अकेडमी है म्यूजिक डांस एंड ड्रामा की 28 जनवरी 1953 को ऑफिशियली इनोग्रेट इनको किया गया था बाय द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जी ठीक है ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है अगली न्यूज है अमिताभ घोष जो ऑथर हैं इनको इरेसमस प्राइज मिला है 2024 का क्योंकि इनका गजब का काम रहा है क्लाइमेट चेंज के फील्ड में इंडियन राइटर अमिताभ घोष को एक प्रेस्टिजियस इरेसमस अवार्ड जो है 2024 का मिला है ठीक है इन्होंने आ, एक कंट्रीब्यूशन दिया क्लाइमेट के अंदर थीम था इनका इमेजिंग द अनथिंकेबल जो कभी सोचा ही नहीं गया उसको इमेजिन करो ठीक है तो ये थी बुक्स एंड ऑथर्स अवार्ड्स की बातें अभी नेशनल न्यूज़ को कवर करते हैं नेशनल न्यूज़ में कौन कौन सी कैटेगरी आती है मतलब कौन कौन सी न्यूज़ आती है वो अपने को देखना आओ लेटस स्टार्ट द कैटेगरी नेशनल न्यूज़ आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं एसएससी जनरल अवेयरनेस का 2024 का टारगेट बैच परचम ऐप पर आ चुका है आप लोग एनरोल कर सकते हो इसमें कंप्लीट जीए आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा बाकी की डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो ऐप का लिंक है वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी ठीक है तो सबसे पहले जो नेशनल न्यूज़ के अंदर हमको करना है अश्विनी वैष्णव जी ने इंडिया का फास्टेस्ट राउटर लॉन्च कर दिया है इंडिजेनसली बिल्ड है भारत में ही बना है ये राउटर और ये इंडिया का फास्टेस्ट राउटर है जिस ठीक है जिसका नाम क्या है आईपीएमपीएलएस ठीक है जैसे एम पी एल एस स्टैंड फॉर मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग ठीक है इसको बेंगलुरु में लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव जी ने जिसकी कैपेसिटी है टू पॉइंट फोर बिट्स पर सेकेंड याद रखेंगे नेक्स्ट न्यूज है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभी मॉनसून आने से पहले हमको रेन कैच करने के तरीके यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के तरीके खोजने हैं जिसके अंदर थीम क्या ली है नारी शक्ति से जल शक्ति यानी महिलाओं का स्पेशल योगदान इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया जाएगा इंक्लूड किया जाएगा नेशनल वाटर मिशन और महिलाओं का योगदान से महिलाओं की स्पेशल भागीदारी इसमें रहेगी ठीक है तो ये जो है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 कैंपेन इसको लॉन्च कर दिया है गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने फिफ्थ एडिशन इसका जल शक्ति अभियान का फिफ्थ एडिशन है ठीक है और 30 नवंबर 2024 तक ये पूरा काम चलेगा पूरी कैंपेनिंग चलेगी थीम है नारी शक्ति से जल शक्ति 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको लॉन्च किया था एज अ वाटर कंजर्वेशन डे ठीक है तो आपको ये चीज़ याद रखनी है नेक्स्ट न्यूज है पोषण पखवाड़ा 2024 मार्च महीने के 15 दिन जो है उनको हम पोषण डेज के रूप में मनाते हैं जबकि पोषण माह जो मनता है वो सितंबर में बनता है मार्च के हर साल 15 दिन जो है वो पोषण पखवाड़ा के रूप में बनते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चों का छोटे छोटे शिशुओं का और प्रेग्नेंट वीमेंस की न्यूट्रिशन की बातें की जाती है उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है ठीक है क्योंकि माँ या प्रेगनेंट फीमेल जो है वो न्यूट्रिशियस रहेगी तभी उनके अंदर पनपने वाला बच्चा न्यूट्रिशनल रहेगा नहीं तो मैल न्यूट्रिशन की जो दिक्कत हो रही है वो भारत में बढ़ती जा रही है बच्चों को कुपोषण होता है ठीक है तो इस पखवाड़ा के अंदर क्या है 2024 की थीम पोषण भी पढ़ाई भी पोषण भी पढ़ाई भी यानी पोषण को भी देंगे ध्यान रखेंगे न्यूट्रिशंस का भी पढ़ाई भी यानी उनको अवेयरनेस भी किया जाएगा अवेयर भी किया जाएगा कि प्रेग्नेंट वीमेन अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखें पोषण पखवाड़ा जो है ये पंद्रह दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है मार्च में एवरी ईयर एनुअली ठीक है सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाते हैं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए पंद्रह डे फॉर मार्च एंड पोषण माह सितंबर को ठीक है पोषण अभियान पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया एथ मार्च 2018 को सबसे पहले पोषण स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रेचिंग प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रीशन पूरी इसकी डेफिनेशन ये है पूरा फुल फॉर्म इसका ये है नेक्स्ट है भारत का पहला म्यूजियम कोऑपरेटिव्स को डेडिकेट करते हुए कोझी कोडे यानी केरला के अंदर बना है ठीक है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कॉपरेटिव महाराष्ट्र में है ठीक है कॉपरेटिव क्या होते हैं बहुत सारे लोग मिलके किसी काम को शुरू कर रहे हैं लाइक आमूल आमूल मदर डेयरी ये सब कॉपरेटिव है ठीक है 150 फिफ्टी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो चुके हैं कारासिव कारासरी सर्विस कॉपरेटिव बैंक ने मदद की है इन प्रोजेक्ट्स में और म्यूजियम जो है ये पूरे विश्व में सेकेंड होगा पूरे विश्व में सेकंड होगा पहला म्यूजियम जो है वो यूके ने सेटअप किया था कॉपरेटिव पे 1844 में दूसरा इंडिया में सेटअप हो रहा है आठ लाख से ज्यादा कॉपरेटिव आज इंडिया में हैं जिसमें ट्वेंटी नाइन्थ करोड़ लोगों का मेंबरशिप है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कॉपरेटिव है नेक्स्ट न्यूज है यूजीसी इंट्रोड्यूस शेरनी हेल्पिंग फीमेल साइंटिस्ट शेरनी स्टैंड फोर शी इन रिसर्च नोवेशन एंड इंटेलिजेंस शी इन रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया शी इज रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया यानी शेरनी ठीक है ये यूजीसी ने एक एक पोर्टल लॉन्च किया है एक नेटवर्क लॉन्च किया है यूजीसी ने जो ग्रांट कमीशन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसमें क्या होगा जो भी महिलाएं साइंस बैकग्राउंड से हैं चाहे वो फैकल्टी के तौर पर हैं चाहे वो स्टूडेंट के तौर पर हैं वो अपने एक्सपीरियंसेज यहाँ पे साझा करेंगी नेक्स्ट न्यूज है तीन सेमी कंडक्टर फैसिलिटीज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनका फाउंडेशन स्टोन रखा है ठीक है नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया इंडिया टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत तीन सेमी प्रोजेक्ट्स जो है 1.25 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स के फाउंडेशन स्टोन मोदी जी ने रख दिए हैं तीन प्रोजेक्ट्स जो है वो धोलेरा गुजरात के अंदर ओ सैट फैसिलिटी इन सनद इन गुजरात और आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी इन मोरीगांव असम ये तीन प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टार्ट किए गए हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने पहला सीजन स्वराज का ओटीटी प्लेटफॉर्म एमेजोन प्राइम के ऊपर जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है एमेजॉन प्राइम स्वराज का पहला सीजन जो है अनुराग सिंह ठाकुर जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च कर दिया इस पूरी सीरीज के अंदर सेवेंटी फाइव एपिसोड होंगे जिसमें भारत की पूरे फ्रीडम स्ट्रगल के हीरोज की बातें होंगी कैसे किसने क्या क्या योगदान दिया है अगली न्यूज है पीएम सूरज पोर्टल को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण नेशनल पोर्टल ठीक है पीएम मोदी जी ने इसको वर्चुअली इनोग्रेट किया है पीएम सूरज इसमें क्या होगा उत्थान यानी कि सामाजिक सोशल वेलफेयर किया जाएगा और एंट्रप्रन्योरशिप के लिए काम को आगे बढ़ाया जाएगा डिसएडवांटेज सेक्शन को वन लैख एंट्रप्रन्य दिए जाएंगे यानी कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनके बच्चों को नई नौकरियों के अवसर दिए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर यह सारा काम हो रहा है अगला है इंडिया स्टैंड एज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फोन मोबाइल फोन के सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में हमारा नाम है पहले भारत कहीं एक वक्त ऐसा था भारत को सेवेंटी एट परसेंट मोबाइल्स जो है वो इंपोर्ट करने पड़ते थे आज पूरी दुनिया के अंदर आज पूरी दुनिया के अंदर भारत सेकेंड नंबर पर है मोबाइल फोन को प्रोड्यूस करने में आप भारत का पोटेंशियल देखिए अगला है वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है ठीक है आपको पता है एट मेंबर की कमेटी बैठी थी जिसके चेयरमैन हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी थे तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है अट्ठारह पेजेस की ये पूरी रिपोर्ट है और 191 डेज का रिसर्च वर्क रहा है ये और इसके अंदर ये कहा है लोकसभा और स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस हैं वो साइमल्टेनियसली करवा दिए जाएंगे और विद इन हंड्रेड डेज पंचायतों के इलेक्शन भी साथ में करवा दिए जाएंगे ठीक है नेक्स्ट न्यूज़ क्या है नेक्स्ट न्यूज है इलेक्टोरल बॉन्ड डाटा जो है वो एस के द्वारा सबमिट कर दिए गए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड डाटा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने एस को फटकार लगाई थी कि हमें हाथों हाथ इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा अभी की अभी साइट पे चाहिए तो एस ने वो डाटा लॉन्च कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड का ठीक है ये कहा गया है कि बारह हजार करोड़ रुपए में से सिक्स थाउजेंड करोड़ रुपीज बीजेपी सरकार को उन इलेक्टोरल बोन के माध्यम से मिले हैं ऐसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा है ठीक है टॉपिंग द लिस्ट इन लोटरी फॉर्म फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस सबसे ज्यादा पैसे किसने डोनेट किए हैं इलेवन परसेंट ऑफ द इलेक्टोरल बोन गेमिंग और होटल सर्विस, सर्विस वालों ने ठीक है सेकंड स्पॉर्ट हैदराबाद बेस्ड मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 966 करोड़ रुपए दिए हैं हैदराबाद बेस्ड जो ये कंपनी है इसने 966 करोड़ रुपए दिए हैं ठीक है एक एक करके याद नहीं रखना है आपको हाँ इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए क्वेश्चन बन सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है 2018 में इम्प्लीमेंट हुए थे ठीक है किसी भी तरीके का डोनेशन एनोनिमस रूप से अगर आपको इलेक्शन कैंपेन के लिए देना है तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का यूज होता है एक साल में चार महीने ही होंगे तभी इलेक्टोरल बॉन्ड आपको मिलेंगे और एस की ब्रांचेज में ही मिलेंगे ठीक है थाउजेंड का जो मल्टीपल है उसके रूप में उसके डिनोमिनेशन में आपको ये bonds मिलेंगे और विद इन फिफ्टीन डेज जिस कंपनी को जिस पार्टी को आपने वो बोन दिए हैं विद इन डेज उनको उनको एनकैश करवा लेना है ठीक है नेक्स्ट न्यूज क्या है फ्लाई 91 वन इंडिया न्यूएस रीजनल एयरलाइन भारत की नवीनतम क्षेत्रीय एयरलाइन फ्लाई 91 वन लॉन्च हो गई है इनोग्रेट हो गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इन्होंने रीजनल एयरलाइन फ्लाई 91 को फ्लैग uh, ऑफ कर दिया है इनाग्रल फ्लाइट जो है वो गोवा मनो महोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यानी मोपा ए, मोपा एयरपोर्ट से लेके अगातीन लक्षद्वीप यहाँ तक ये पहली फ्लाइट जाएगी ये गोवा बेस्ड कैरियर है ठीक है इसके एमडी सीईओ जो हैं वो मनोज चाकोजी हैं और ये कमर्शियल सर्विसेज एटींथ मार्च से शुरू करने वाले हैं फ्रॉम गोवा टू बेंगलुरु एंड हैदराबाद अगली न्यूज है नीति आयोग ने वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव्स लॉन्च कर दिया है ग्रासरूट एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए ठीक है टू एनकरेज सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबल ग्रोथ सेल्फ रिलायंस और सस्टेनेबल ग्रोथ को एनकरेज करने के लिए वोकल फॉर लोकल लोकल लोगों की आवाज को लोकल लोगों की वोकल्स को यानी आवाज को आगे लेके जाना है ठीक है ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का ही पार्ट है पूरा जिसमें लोकल इकोनॉमी और ग्रास रूट एंटरप्रन्योरशिप को प्रमोट किया जाएगा ठीक है इट इज बीग इम्प्लीमेंटेड इन द पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस गवर्नमेंट का एक पोर्टल होता है जहां से सारी सरकारी खरीदारी जो है वो की जाती है और ओ इन दोनों के साथ मिलकर इस पूरे काम को अंजाम दिया जा रहा है नीति आयोग के चेयरमैन पीएम मोदी जी हैं वाइस चेयरमैन सुमन के बेरी है सीईओ है इसके बीवीआर वी सुब्रमण्यम जी ठीक है अभी स्टेट न्यूज पे बात करते हैं नेशनल न्यूज कवर हो गई है अभी स्टेट न्यूज पढ़ते हैं स्टेट न्यूज में अरुणाचल प्रदेश में मोदी जी ने सेला टनल जो है वो इनोग्रेट कर दिया है सेला टनल क्यों किया है क्योंकि जो भी सामान आता जाता था चाइना को उसकी खबर लगती थी अब सेला टनल बनने के बाद जो है चाइना इन चीजों को देख नहीं पाएगा कि भारत किस तरीके की तैयारी में है पीएम मोदी जी ने सेला टनल असम से अरुणाचल किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने आपको पता है जितने भी बॉर्डर एरिया का कंस्ट्रक्शन वर्क होता है बी यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही उसको देखता है तेरह हजार फीट के एल्टीट्यूड पे ये टनल बनाया है रोड पे हाईवे पे नहीं है रोड पे है ये तेजपुर असम से तवांग को कनेक्ट करेगा इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टोटल कॉस्ट लगा है एट एट ट्वेंटी फाइव करोड़ का ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल होगा इतनी ऊंची हाइट पे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल ठीक है ऑल वेदर कनेक्टिविटी है क्योंकि पहले क्या होता था एक मौसम में सामान रुक जाता था जम जाता था सब कुछ लेकिन ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है ठीक है इसको याद रखोगे हर मौसम में ये काम करेगा और क्यों लेके आए वो आपको पता है बहुत सारी चीजें चाइना को विजिबल होती थी अब नहीं होगी सैला टनल जो है वो न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड के आधार पे कंस्ट्रक्ट किया गया है नेक्स्ट न्यूज है प्रधानमंत्री लेस फाउंडेशन स्टोन फोर 2880 मेगावाट एटी मेगा वोट दिबंग मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश बस ये न्यूज है आपको ये थोड़ा सा याद रखना है ये 2880 मेगावाट का मल्टी पर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां चलाया है अरुणाचल प्रदेश में इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है आपको बाइचॉम बिकम्स अरुणाचल प्रदेश ट्वेंटी सेवन्थ डिस्ट्रिक्ट देखो अब अरुणाचल प्रदेश में टोटल ट्वेंटी सेवन डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं पहले ट्वेंटी फाइव थे अभी ट्वेंटी सेवन हो गए हैं एक तो बाइचॉम बनाया है ये वेस्ट और ईस्ट कामेंग को काव आउट करके ठीक है ये ट्वेंटी सेवन डिस्ट्रिक्ट है ट्वेंटी सिक्स डिस्ट्रिक्ट की तरह के कई पेन्योर कई पेन्योर मार्च में मार्च में बनाया गया था ठीक है इसको लोअर सुबहान सीरीज से, से अलग करके बनाया गया था तो अब टोटल सत्ताईस डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं गौरसाम कोरा फेस्टिवल तवांग के अंदर ही मनाया गया है ये इस स्तूपा के आसपास ही मनाया जाता है बुद्धिस्ट कल्चर से जुड़ा हुआ है तवांग के जैमिथांग में गौरसाम कोरा फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है सात से दस मार्च के बीच में मनाया जा रहा है ये नाइन्टी थ्री फूट टॉल स्तूपा जो है इसके इर्द गिर्द ये मनाया जाएगा जैमिथांग वैली जो है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखती है जो फोर्टीन दलाई लामा थे जब इंडिया और चाइना का विवाद हुआ था तो तिब्बत के दलाई लामा लामाटी दलाई लामा फिफ्टी से स्केप लेके यहीं से जाते हैं ठीक है ठीके? तो ये बुद्धिज्म के लिए काफी फेमस है इस ईयर की थीम रही जीरो फेस्ट जीरो वेस्ट फेस्ट, फेस्टिवल बहुत सारे भूटानीज नेशनल्स भी यहाँ पे विजिट करने आते हैं अगली न्यूज है पीएम मोदी जी ने ब्रॉन्ज का स्टैचू अनवील किया है जो लाचित बोरफुकन का है असम के जोरहाट में ठीक है असम के जोरहाट में जो एक ये फिल्म फाइटर हम इनको कह सकते हैं लाचित बोर बोरफुकन इनका 125 फुट लंबा ब्रॉन्ज स्टैचू इसको पीएम मोदी जी ने अनवील किया है ठीक है ये जोरहाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और इसको डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किसने किया है राम वंजी सुतार ने बहुत फेमस आर्किटेक्ट रहे हैं ये जो सरदार पटेल जी का स्टेचू ऑफ यूनिटी है वो भी इन्होंने ही बनाया था नेक्स्ट न्यूज क्या है लद्दाख जो है स्टेट हुड की डिमांड कर रहा है सिक्स स्केड्यूल के अंदर क्योंकि आपको पता है लद्दाख का कल्चर बिल्कुल अलग है लद्दाख का जो एनवायरमेंट है क्लाइमेट है वो बिल्कुल अलग है तो लद्दाख ने ये कहा है कि हमको एक स्टेटहुड दे दिया जाए क्योंकि यूटी अगर ये रहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपने हिसाब से डील करती है इन्होंने कहा हमको स्टेटहुड दे दिया जाए और हमको स्पेशल स्टेटस अंडर सिक्स अंडर सिक्स स्केड्यूल हमको दे दिया जाए ताकि हम अपने हिसाब से अपने लद्दाख को देख सके ठीक है लद्दाखी मिक्स अवार्डि रेसिपियंट सोनम वांगचुप जो हंगर स्ट्राइक पे हैं लद्दाख के स्टेट हुड के डिमांड के लिए ठीक है इन्होंने कहा हमको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि हम अपने फ्रेगाइल जो जो हमारा फ्रेजाइल एनवायरमेंट है और जो ग्लेशियर्स हैं हम उनकी रक्षा कर सके ठीक है तो सिक्स केड्यूल के अंदर प्रोटेक्शन की बात ये कर रहे हैं इनकी डिमांड कौन कौन सी है लद्दाख के लिए स्टेट हुड दिया जाए हमको सिक्स केड्यूल के अंदर सेफ दिया जाए जॉब्स का रिजर्वेशन दिया जाए और एक सेपरेट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी लेह और कारगिल के लिए दी जाए ताकि हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ सके अगली न्यूज है जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु को कैटल स्मगलिंग की रुकावट के लिए कैटल स्मगलिंग से लड़ने के लिए ऑपरेशन कामधेनु को जम्मू कश्मीर पुलिस ने लॉन्च किया है फिर है महतारी वंदन योजना इसमें क्या होगा विवाहित महिलाओं को एक हजार रुपए पर महीना यानी एक साल में बारह हजार रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से भेजे जाएंगे महतारी वंदन योजना ठीक है इसको छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है सत्तर लाख एलिजिबल वीमेंस जो है उनको हर महीने हजार रुपए दिए जाएंगे जो 23 से 60 इयर्स की एज में है छत्तीसगढ़ के अंदर इसको लॉन्च किया है अगली न्यूज क्या है महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने फर्स्ट फेज ऑफ मुंबई कोस्टल रोड को शुरू कर दिया है जो ये मुंबई कोस्टल रोड है आपको पता है भीड़ बहुत रहती है जो ये पहला फेज है ये जो पैंतालीस मिनट का समय है मेराइन ड्राइव से वॉर्ली तक उसको 10 मिनट में कवर कर देगा तो ये फर्स्ट फेज़ का रोड जो 9 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर है उसको बनाना शुरू कर दिया है उसकी फाउंडेशन स्टोन कर दी है ठीक है और इसको लगभग मई में, में कह रहे हैं कि इसको ओपन कर देंगे यूज़ करने के लिए ठीक चौदह हजार करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट डिसाइड्स टू सेलिब्रेट 17 सितंबर एज हैदराबाद लिबरेशन डे गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने यह कहा 17 सितंबर को हम हैदराबाद लिबरेशन डे के रूप में मनाएंगे क्योंकि 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो हुआ था और निजाम के रूल को खत्म करके इसको भारत में मिलाया गया था ठीक है नेक्स्ट है अहमद अहिल्या नगर अहिल्यानगर क्या है ये देखो महाराष्ट्र कैबिनेट ने अहमदनगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम अहिल्यानगर रख दिया है ठीक है अहिल्याबाई जो मराठा क्वीन थी अहिल्याबाई होलकर उनके नाम पे ये अहमदनगर को हटा के महाराष्ट्र का एक जगह थी अहमदनगर उसका नाम हटा के अहिल्यानगर रख दिया है ठीक है इसको याद रखोगे नेक्स्ट न्यूज क्या है महाराष्ट्र टू बिकम फर्स्ट स्टेट टू बाय लैंड इन कश्मीर कश्मीर के अंदर पहले जमीन खरीदना नामुमकिन था महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया है कश्मीर के अंदर लैंड खरीदने क्योंकि पहले आर्टिकल 370 था अब उसके हटने के बाद अब वो भी एक कॉमन जगह बन गई है बाकी स्टेट्स की तरह तो महाराष्ट्र ने सबसे पहले वहां पे लैंड खरीदा है डिफेंस की न्यूज में चलते हैं फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि फाइव मिसाइल्स क्या कह रहा है मिशन दिव्यास्त्र चल रहा है उसमें इंडिया की जो अग्नि फाइव मिसाइल है उसका टेस्ट फायर किया है डीआरडीओ ने सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट का किया है इंडिजनसली डेवलप्ड अग्नि फाइव मिसाइल मिसाइल है मिशन दिव्यास्त्र चल रहा है जिसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने शुरू किया था ओडिशा कोस्ट से ठीक है ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है लैंड टू लैंड है बैलिस्टिक मिसाइल है और Uh, मतलब प्रोजेक्टा प्रेजेक्ट्री मोशन पे चलेगी 5000 किलोमीटर की रेंज को कवर कर देगी कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट पहुंच सकती है लैंड टू लैंड है लैंड से शुरू होकर लैंड पे ही अटैक करेगी ठीक है और आप इसमें टारगेट सेट कर दोगे वो अपने आप अपने टारगेट तक पहुंच जाएगी इसमें क्या कह रहे हैं कि जो ये पूरा जो पूरा सिस्टम ये चल रहा है अग्नि मिसाइल्स का ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर है ठीक है इसको शुरू किया गया था ये ब्रेन चाइल्ड है डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम का जो एक रिनाउंड साइंटिस्ट रहे हैं इंडिया यूएस मैरिटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज सी डिफेंडर्स ये पोर्ट ब्लेयर पे शुरू हुआ है ये एक एक्सरसाइज है अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर पे एक एक्सरसाइज इंडिया कोस्ट गार्ड और यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड के बीच में नाइन्थ ऑफ मार्च को हो रही है फिर भारत शक्ति ये वॉर गेम है पोखरण के अंदर जिसमें भारत शक्ति युद्ध खेल मतलब कि इंडिया की तीनों फोर्सेस आर्म फोर्सेस एयर फोर्सेस और आपकी नेवी फोर्सेस तीनों अपना अपना शक्ति का प्रदर्शन कर रही है पोखरण राजस्थान के अंदर पोखरण वो जगह है जहां पे अपना सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में इंडियन नेवी एट एक्सरसाइज एट एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 क्या कह रहा है इंडियन नेवी की एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस जो है 2024 की वो स्टार्ट हो चुकी है ये पहला ट्रेनिंग फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस ठीक है ये पोर्ट विक्टोरिया सेशल के अंदर ये 26 फरवरी से 8 मार्च 2024 के बीच में मनाया जा रहा है और बहुत सारी 16 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज इसके अंदर शामिल हो रही है अगला है आगरे और अक्षय शिप लॉन्च टू ओगमेंट इंडियंस नेवी एंटी सबमरीन ऑपरेशन इंडिया के एंटी सबमरीन ऑपरेशन में आगरे और अक्षय शिप जो है वो भी शामिल कर दिए गए हैं अभी स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं स्पोर्ट्स की कैटेगरी में क्या है संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल से जुड़ी हुई है इसमें सर्विस जो एक टीम का नाम है इसने गोवा को बीट कर दिया है सातवीं बार ठीक है सातवीं बार सर्विस टीम ने गोवा को बीट कर दिया है ये सेवेंटी सेवेंथ नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप था और अरुणाचल प्रदेश के अंदर यह खेला जा रहा था तो सर्विस टीम जीत गई है सातवीं बार अगली न्यूज है वेर स्टैपन ने सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है ठीक है अभी अभी इन्होंने बहरेइन ग्रैंड प्रिक्स को भी जीता था अब इन्होंने नाइन्थ बार ये वेर स्टैपन ने जो रेडबुल टीम से हैं उन्होंने सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है नेक्स्ट है सात्विक और चिराग को फ्रेंच ओपन डबल में टाइटल मिला है फ्रेंच ओपन डबल टाइटल को इन्होंने जीत लिया है ranking, चाहे ओडीआई हो, हो वनडे हो चाहे टी ट्वेंटी हो तीनों ही कैटेगरी में इंडिया की टीम रैंक वन पे आ गई है तो बधाई हो आप सब लोगों को ठीक है रविंद्र बिकम यंगेस्ट रेसिपियंट ऑफ सर रविंद्र बिकम यंगेस्ट रेसिपियंट ऑफ सर रिचार्ड हैडली मेडल देखो रविंद्र सर जो हैं वो रविंद्र जो हैं वो सर रिचार्ड हैडली मेडल पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं ठीक है ये 2011 में न्यूजीलैंड ने क्रिकेट के फील्ड में ये अवार्ड अनाउंस किया था और इनको अभी ये मिला है रचिन रविंद्रा को जो रिचार्ड हैडली मेडल के नाम से जाना जाता है ये बेस्ट न्यूजीलैंड मैं क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं स्पोर्ट मिनिस्ट्री अनुराग ठाकुर नेशन वाइड टैलेंट हंट स्कीम कीर्ति लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर जी ने ठीक है अनुराग सिंह ठाकुर जी ने जो यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर को के पद को संभालते हैं खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति का पूरा नाम क्या है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट नोटिफिकेशन सॉरी आइडेंटिफिकेशन खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन स्कूल चिल्ड्रन जो 9 से 18 साल की उम्र के हैं उनमें खेल की कला को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके टैलेंट को जानने के लिए ये पूरी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है अभी इंडेक्स और रैंकिंग की बात करते हैं केरला टॉप चार्ट ऑफ चार्टस्ट पासपोर्ट अमंग इन द कंट्री पूरे भारत में सबसे ज्यादा महिलाएं केरला की पासपोर्ट लेती है ठीक है क्योंकि सबसे ज्यादा साक्षरता दर है सबसे ज्यादा लिटरेसी है तो यहाँ की महिलाएं फॉरन के अंदर हायर स्टडीज के लिए जाती हैं जॉब के लिए जाती हैं और वैसे फीमेल को हटा के मेल में भी देखें तो केरला नंबर वन पे ही है सबसे ज्यादा पासपोर्ट केरला के अंदर ही है सबसे ज्यादा पासपोर्ट होल्डर जो है वो केरला में ही है ठीक है उसके बाद इंडिया के गोल्डन लंगूर का पॉपुलेशन बढ़ गया है जो कभी एक इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते थे अभी जो गोल्डन लंगूर ल, गोल्डन लंगूर है ये सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स इनका जनसंख्या हो गई है ठीक है उसके बाद ये ये इन्हीं के बारे में बता रहा है कि गोल्डन लंगूर जो है वो एक इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए थे और ये मानस बायोस्फीयर रिजर्व यानी असम के अंदर ज्यादा देखे जाते हैं ठीक है इंडिया का गोल्डन लंगूर ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में था अपेंडिक्स वन साइड्स के अपेंडिक्स वन में आते हैं मतलब इनको चोट पहुंचाना एक अपराध है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल वन के अंदर इनको लेके आया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 13 मार्च 2024 को आई है और ग्लोबली इसको लॉन्च कर दिया गया है इंडिया का रैंक 134 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देता है हर साल इंडिया 193 कंट्री में 134 में है 2022 में ठीक है और 2021 में 135 पे थे अब की बार हम 134 पे हैं इसको याद रखोगे इंडिया में ट्वेंटी ट्वेंटी टू इंडिया सो इंप्रूवमेंट अक्रॉस ऑल एच डी आई इंडिकेटर क्या कह रहा है ये कह रहा है कि हर किसी इंडिकेटर के अंदर इंडिया का अचीवमेंट अच्छा हुआ इंप्रूवमेंट अच्छा हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एजुकेशन और ग्रोथ नेशनल इनकम यानी पर कैपिटा। तीन कैटेगरी देखी जाती है तीनों कैटेगरी में हमने इम्प्रूवमेंट किया है 67.2 पहले मार्क थे अब हमने 67.7 पॉइंटर्स जो है वो अचीव किए हैं भारत का एच वैल्यू जो है जीरो है और हमारा रैंक वन है स्विट्जरलैंड नंबर वन पे है चाइना 75 पे श्रीलंका 78 पे, भूटान 125, बांग्लादेश 129, नेपाल 146, पाकिस्तान 164, ठीक है इंडिया से कम है यूएनडीपी हर साल इसको देता है तो इसको आप याद रखोगे इंडियाज़ रैंक इंप्रूव्ड इन जेंडर इनइवालिटी इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू ऑफ यू एन डी पी जेंडर इन इंडेक्स के अंदर भी भारत का रैंक इंप्रूव हुआ है 108 आ गया है पहले हम पीछे थे काफी 193 कंट्रीज में से अभी भारत ने काफी ग्रो किया है 2021 में हम 122 रैंक पे थे 191 कंट्रीज के अंदर अभी भारत 108 पे आ गया है 14 रैंक जो है हमने जंप कर दिया है ठीक है नेक्स्ट है इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आर्म्स का इंपोर्ट करते हैं सिपरी की ये रिपोर्ट है स्वीडिश थिंक टैंक है स्टोक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आर्म इंपोर्टर्स की कैटेगरी बनाता है और भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आर्म्स का इंपोर्ट करता है ठीक है एट द सेम टाइम आर्म्स इम्पोर्ट बाय यूरोपियन कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज ने भी अब की बार बहुत सारे आर्म जो है वो इंपोर्ट किए हैं पहले से 94% ज्यादा पर फर्स्ट पे इंडिया है ठीक है दूसरे पे सऊदी अरब आप देख पा रहे हो फर्स्ट पे इंडिया है रशिया से हम सबसे ज़्यादा आर्म्स लेते हैं देन फ्रांस से और देन यूएस से। और फाइव आर्म एक्सपोर्टिंग कंट्री सबसे ज़्यादा आर्म्स हम एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं यूएस से, फॉलोड बाय फ्रांस रशिया चाइना जर्मन मतलब सबसे ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट कौन करता है एक्सपोर्टिंग कंट्री हम नहीं करते उनको कौन एक्सपोर्टर कंट्री है यू फ्रांस रशिया चाइना और जर्मन हम सबसे ज्यादा किससे खरीदते हैं रशिया से फिर फ्रांस से और फिर यूएस से इंटरनेशनल न्यूज की बात करते हैं लास्ट कैटेगरी है ये इसमें यह है कि सेवेंटी फर्स्ट अवार्ड मिला है मिस वर्ल्ड का ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का ये चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना क्रिस्टीना पिस्कोवा है ठीक है जिनको सेवेंटी फर्स्ट अवार्ड मिला है मिस वर्ल्ड का सेवेंटी फर्स्ट मिस वर्ल्ड का अवार्ड जाता है चेज रि चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना को ठीक है इंडिया ने 28 साल के बाद इसको होस्ट किया है सिनी शेट्टी ने इसको रिप्रेजेंट किया था और आपको पता है भारत के अंदर भी छः बार जो है ये अवार्ड जो है ये खिताब हम ला चुके हैं क्रिस्टीना पिस्कोवा जो है वो चेक रिपब्लिक की हैं चेक गणराज्य की हैं जिनको ये खिताब मिला है ठीक है इसको याद रखोगे और ये जो अवार्ड है पिछली बार मिला था कैरोलिना को कैरोलिना ने अपना क्राउन इनको पहनाया है ठीक है अगला न्यूज जो है दैट इज इश्कदार अपॉइंटेड एज पाकिस्तान न्यू फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के नए फॉरेन मिनिस्टर इश्कदार को अपॉइंट किया है इसको याद रखोगे इंडिया ने यूरोपियन यूनियन ई एफ टी ए के साथ ई एफ टी ए भारत ने ई एफ टी ए के साथ हंड्रेड बिलियन डॉलर का समझौता किया है ई एफ टी ए क्या है कुछ देश ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहते यूरोपियन कंट्री है लेकिन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो उन्होंने ई के अंदर खुद को ग्रुप कर लिया है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन तो हमने इसके साथ हंड्रेड बिलियन डॉलर का एक समझौता साइन किया है जिसके अंदर क्या करेंगे हम भी कुछ प्रोडक्ट्स पे और वो भी कुछ प्रोडक्ट्स पे जो ड्यूटीज है उनको रिड्यूस कर देंगे ठीक है नेक्स्ट न्यूज है पैलेस्टीन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास अपॉइंटेड मोहम्मद मुस्तफा टू बी द नेक्स्ट न्यू प्राइम मिनिस्टर महमूद मुस्तफा को बहुत लंबे समय से इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया हुआ था प्रेसिडेंट का अब इनको न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे नेक्स्ट ठीक है तो ये न्यूज़ थी सारी जिसके बारे में हमने बात की अभी कुछ रिवीजन क्वेश्चंस की बात करते हैं ये कहता है विच मिसाइल वाज टेस्टिंग ड्यूरिंग मिशन दिव्यास्त्र विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी ठीक है किसको अभी हम लोगों ने टेस्ट किया है अग्नि फाइव को ठीक है लैंड टू लैंड थी प्रोजेक्टाइल मोशन पे काम करती है हु इज द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ये कौन थे ये थे देवेंद्र झाझरिया जी ठीक है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है हु won the best actress award ओस्कर का वो तुमको देखना है टेबल में रिवाइज करना है यहाँ पे आंसर आएगा एमा स्टोन ठीक है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उसके बाद हु emerged victorious in the men's double category at the french open 2024 अभी हमने देखा था सात्विक सिराज और ये चिराग शेट्टी ठीक है सातवीं और चिराग इन दोनों को खिताब मिला था उसके बाद व्हाट इज इंडियाज करंट रैंक इन ग्लोबल मोबाइल फोन प्रोडक्शन मोबाइल फोन प्रोडक्शन में हम सेकेंड रैंक पे आ चुके हैं ठीक है तो सेकेंड रैंक पे हम आ चुके हैं अगला है हु लॉन्च द शी रिसर्च नेटवर्क इंडिया शेरनी किसने किया था यूजीसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिश्नर ने जिसमें जो साइंस बैकग्राउंड की महिलाएं हैं वो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगी नेक्स्ट है इन विच इंडियन स्टेट यूटी वॉज ऑपरेशन कामधेनु ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस ने लॉन्च किया था आंसर इज जम्मू कश्मीर ठीक है ये किस लिए किया था ताकि कैटल की स्मगलिंग को रोका जा सके इन विच स्टेट आर द मदीगा कॉम्युनिटी मदीगा कॉम्युनिटी जहां के कम्युनिटी के व्यक्ति को हम लोगों ने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का चेयरमैन बनाया था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर मदीगा कम्युनिटी जो है वो मिलती है नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ फिफ्थ एडिशन ऑफ द जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 नारी शक्ति ऐसा था ना नारी शक्ति से जल शक्ति यानी जल को सेव करना है महिलाओं के योगदान से ठीक है नेक्स्ट न्यूज क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ सेला टनल प्रोजेक्ट तेरह हजार फीट पे सेला टनल बनाया है ठीक है तो ये इनग्रेशन हो चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विक्टोरियस इन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स ये ये कौन थे ये थे मैक्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज सी डिफेंडर सी डिफेंडर में किस किसने हिस्सा लिया इंडियन कोस्ट गार्ड और यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड इन दोनों के बीच में ये एक नेवल एक्सरसाइज है अभी एक और न्यूज आपको मैं बता रही हूँ कोई भी स्टूडेंट जो मेरे साथ इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पढ़ना चाहता है बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक की तो आप लोगों के लिए दोनों बैच अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप पर आपको लिंक मिलेगा वहां से आप इसकी बाकी डिटेल्स जो है वो जान सकते हो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है हु हैज बिन क्राउन द सेवेंटी फर्स्ट मिस वर्ल्ड इन द ग्रैंड सेरेमनी हेल्ड इन मुंबई मुंबई के अंदर जो मिस वर्ल्ड ग्रैंड सेरेमनी हुई है उसमें सेवेंटी फर्स्ट अवार्ड किसको मिला है यहाँ चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और हाई होप आप लोगों की रिविजन अच्छी हो रही है करंट अफेयर की थैंक यू सो मच टेक केयर बाय